मंदसौर के गरीबों के मसीहा ने फिर बढ़ाया मदद का हाथ। आंजना ने फिर कर दिखाया सोनू सूद जैसा काम। आंजना ने पति पत्नी जो कि दृष्टिहीन है होने के घर पहुंचकर उनकी की मदद। इस कोरोना काल में जहां लोग बेरोजगार हो गए, एक दिन की रोटी नसीब नहीं हो रही, ऐसे में देश के सोनू सूद गरीबों के मसीहा के रूप में सामने आए। ऐसे ही मंदसौर जिले के सोनू सूद के नाम से जाने जा रहे ईश्वर सिंह आंजना लगातार गरीबों के मसीहा बनकर गरीबों की मदद करने का काम उनके द्वारा लगातार किया जा रहा है। लगातार वह मंदसौर जिले में गरीबों के लिए खाने की व्यवस्था एवं कोरोना योद्धाओं के लिए मास्क सैनिटाइजर वितरण लगातार मंदसौर जिले में कर रहे हैं। लगातार गरीबों की मदद के लिए हाथ आगे बढ़ा रहे हैं। मंदसौर के रियल हीरो के रूप में जाने जा रहे ईश्वर सिंह आंजना द्वारा कई प्रकार से लोगों की मदद करने का कार्य किया जा रहा है। जब राती तलाई के दृष्टिहीन पति पत्नी की आर्थिक संकट की खबर सोशल मीडिया पर चली तो मंदसौर रियल हीरो ईश्वर सिंह आंजना तुरंत मदद के लिए वहां पहुंच गए। जब आसपास के पड़ोसियों से पता चला कि राजा राम द्वारा दृष्टिहीन होने के बाद भी ढोलक बजाकर पैसे कमाने का काम किया जाता है, लेकिन इस कोरोना काल में रोजगार नहीं मिलने से परिवार को चलाना मुश्किल हो गया था, ऐसी स्थिति में मंदसौर के रियल हीरो के रूप में जाने जा रहे भारत जन कल्याण के डायरेक्टर ईश्वर सिंह आंजना द्वारा राजा राम के लिए उनकी तरफ से 2 महीने का राशन दिया एवं बच्चे की पढ़ाई का जिम्मा भी उठाने का संकल्प लिया एवं हर तरह की मदद करने का आश्वासन भी उनकी तरफ से दिया गया। भारत जन कल्याण के डायरेक्टर ईश्वर सिंह आंजना द्वारा लगातार मंदसौर वासियों के लिए रोजाना मदद करने का काम किया जा रहा है। इस कोरोना काल में मंदसौर वासियों के लिए रियल हीरो के रूप में सामने आए मंदसौर के गरीबों के मसीहा के रूप में जाने जा रहे ईश्वर सिंह आंजना द्वारा मंदसौर वासियों के लिए रोजाना कई मदद की जा रही है। अब राती तलाई में रहने वाले पति पत्नी जो कि दृष्टिहीन है उनकी मदद करने के बाद तो देश के सोनू सूद जैसा काम फिर कर दिया है। नंबर 7, डॉक्टर, नर्स व अन्य स्टाफ सुविधाएं विधायक के द्वारा उपलब्ध कराई जा रही है। सीसीटीवी कैमरे की सहायता से कोविड केयर सेंटर के कोने कोने व विभिन्न गतिविधियों पर नजर रखी जाएगी। मरीजों के लिए ऑक्सीजन युक्त बेड, भोजन व नाश्ते की भी व्यवस्था की गई है, जिसके लिए नगरवासी ने कौतमा विधायक का शुक्रिया अदा किया है। आज आपने एक मदद का हाथ बढ़ाया है, किस तरीके से बढ़ाया है, कहाँ पे ये मदद का हाथ आपने बढ़ाया है? ये सोशल मीडिया के माध्यम से हमें पता पड़ा था कि इसमें एक परिवार हैं जो हस्बैंड वाइफ दोनों वो देख नहीं सकते आंखों से, अंधे हैं और उनकी 2 साल की बच्ची है और उनको खाने पीने की बड़ी समस्या है। दो दिन से वो लोग भूखे थे, तो हम लोगों ने वहाँ पहुँच के फिर उनकी मदद करी। अभी 2 महीने तक का राशन हमने रखवाया है और बच्ची की पढ़ाई का खर्चा मैंने बोला है कि भारत जन कल्याण योजना जो मेरे द्वारा बनाई गई है वो उठाएगी। क्या नाम है आपका? ईश्वर सिंह आंजना, डायरेक्टर भारत जन कल्याण। कैनन न्यूज़ के लिए कोतमा से RC मिश्रा की रिपोर्ट।